बिजली गिरने के कारण इस कैसल का एक बहुत बड़ा पार्ट ब्रेक हो। डॉगी कालू, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेल्कम टू विद्स करण लोथरा व्लॉग्स, टेल टू जर्मनी व्लॉग 3। और हम है एक रेलवे स्टेशन पे, सिटी का नाम है मानहाइम, और हम एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे जा रहे हैं, एक हिस्टोरिक प्लेस जिसकी हिस्ट्री 400 साल पहले की है। क्या खरीद रही है? I'm buying some chocolate. कौन सी वाली ले रही है? Bueno. जब से मैं आया ना, नटेला खा के बोर हो चुका हूँ। हो भी गया? वाह, दैट वाज इजी। पहुंचे हम हाइडलबर्ग सिटी, और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ जर्मनी में इसका नाम आता है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा है ये एरिया, और सारा सामने रेजिडेंशियल होम्स बने हुए हैं, बहुत ही पुराने हिस्टोरिक होम्स टाइप हैं। और इस बस में बैठ के हमने अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे जाना है। इस सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स बिल्कुल डिफरेंट ही बना रही है। इसको क्या कहते हैं नीचे पत्थर को? कोबलस्टोन, कोबलस्टोन स्ट्रीट। बहुत ही अच्छा नज़ारा है ये, और अभी काफ़ी हमको चढ़ाई करनी पड़ेगी यहाँ से ऊपर जाने के लिए। एक बहुत ही पुराना कैसल है, अराउंड 400 ईयर्स पुराना, जिसका आज हम टूर लेने आए हैं। दिखने में जितना आसान लग रहा है उतना ही मुश्किल है इन सीढ़ियों को चढ़ना। पता नहीं कितना डिस्टेंस है, बता भी नहीं रहे। कितना है बता तो दे। इट्स अ सरप्राइज। सरप्राइज नहीं, हालत बुरी हो रही है यहाँ पे, इतना आदत नहीं है चलने की। यहाँ पर आ चुके हैं हम कैसल के एंट्री गेट पे, और अब टिकट खरीदने वाले हैं। तो नॉर्मली टिकट का प्राइस है यहाँ पे 9 यूरो, जो कि अराउंड 850 रुपीज है, और स्टूडेंट्स के लिए है 4.5 यूरो, जो कि अराउंड 400 रुपीज है। ईशा एक स्टूडेंट है, एक्टिव स्टूडेंट, तो जहाँ भी अपना आईडी दिखाते हैं उसको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, चाहे वो बस टिकट, ट्रेन टिकट हो, या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस में एंट्री की टिकट हो। तो ये टिकट्स तो हमने खरीद लिए कैसल की, लेकिन जो टिकट काउंटर पे जो लेडी थी वो जर्मन में बात करी, तो मुझे तो एक वर्ड भी समझ नहीं आया। तो बता क्या बोल रही थी वो दीदी? तो उन्होंने हमें बताया कि कैसल जो है 5:30 बजे तक खुला है। हाँ। और हमारी टिकट्स के अंदर केबल कार भी इंक्लूडेड है, तो हम जब वापस जाएंगे तो हम केबल कार से जा सकते हैं। तो 9 यूरो की टिकट में हमको कैसल में एंट्री और केबल कार भी मिल रहा है। दैट्स राइट, सो दैट्स रियली रीजनेबल। ये 4.5 यूरो है, तो मेरे लिए 4.5। मैं तो 900 रुपए लग गए इसके, 450 में काम होगा। और केबल कार लास्ट हमें मिलेगी 8 बजे तक, तो हमें उसे, हमने तो 1 घंटे में निकल जाना है 5 बजे। यस, है ना? ओके, यही है कैसल। हम है हाइडलबर्ग कैसल में, और हाइडलबर्ग कैसल की इस्टेब्लिशमेंट 1200th century to 1300th century के बीच में हुई है। एंड ये रोमन्स ने अपनी सुपरमेसी, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए इसका एज अ साइन इसको बनाया था। बट 1500th century में बिजली गिरने के कारण इस कैसल का एक बहुत बड़ा पार्ट ब्रेक हो गया था, जिसके बाद से इस कैसल में कोई रहता नहीं है। एंड जिस सिटी में हम हैं वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट और कैसल का इस्टेब्लिशमेंट एक साथ ही हुआ था। हाइडलबर्ग में एक यूनिवर्सिटी है, जो कि जर्मनी की सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1386 में हुई थी। प्लस हाइडलबर्ग का जो नाम है वो एक वर्ड है, जर्मन वर्ड बर्गहाइम, जिसका मतलब है होम ऑन द माउंटेन्स, उससे लिया गया है। और एक बहुत ही फन फैक्ट है सिटी के बारे में, यहाँ पे कैसल के पास में एक ओल्ड ब्रिज है, एंड कहा जाता है कि उस ओल्ड ब्रिज पर जब दो लवर्स किस करते हैं तो उनका लव कास्ट फॉर एवर। आइए हाइडलबर्ग की हिस्ट्री जानते हैं। हाइडलबर्ग एक बहुत ही पुरानी सिटी है जर्मनी की, और यहाँ पर 5000 सालों से लोग रहते हैं। ये कैसल 13th century में बना था, और ये बहुत ही बड़ा है और रिवर नेक्कर का अद्भुत दृश्य देता है। ये कैसल काफ़ी सेंचुरीज के लिए राजा महाराजा और होली रोमन एम्पायर के इलेक्टर्स का स्थान रह चुका है। ये कैसल का नाश बहुत बार हो चुका है,
और हमेशा इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और नया बनाया गया है। अब इसका कुछ पार्ट परमानेंटली डिस्ट्रक्टेड है और यही खूबसूरती है इस कैसल की, जो दुनिया भर से टूरिस्ट को आकर्षित करती है आने के लिए। कैसल एक हिस्टोरिक प्लेस है और बहुत फेमस है, लेकिन हाइडलबर्ग सिटी भी बहुत मॉडर्न है, जिसमें बहुत से रिलीजन्स के लोग रहते हैं और यहाँ बहुत से फेमस रेस्टोरेंट्स और लाइवली कल्चरल सीन्स हैं। अब आपको लेके चलते हैं जहाँ पे हमें हैरी बैग का डॉगी कालू। व्हाट अ व्यू, अमेजिंग, मेस्मराइजिंग। थोड़े इंग्लिश के वर्ड्स बताइयो। फिनोमिनल, मैग्निफिसेंट, आई डोंट नो मोर देन दिस। वाओ, व्हाट अ व्यू। ओके, सो अभी थोड़ी देर पहले गाइस मैंने वही जगह दिखाई थी आपको बस स्टैंड से, और देखो कितनी ऊंचाइयों पे आए हम और ये वॉक करके आए हैं। वो जो पॉइंट है जहाँ बस खड़ी है वहाँ पे हमको उतारा था बस ने, और वहाँ से यहाँ तक देखो ऊपर चढ़ के आए हैं। बट द व्यू इज ब्रेथ टेकिंग एंड वर्थ वॉकिंग। ये तो ट्रेन है पूरी, हमें लगा केबल कार आ रही, लेकिन ये तो पूरी केबल ट्रेन ही बना दी इन्होंने। सो अमेजिंग, सनरूफ भी है इसमें। केबल काट के बाद अब हम एंटर कर चुके हैं हाइडलबर्ग सिटी, और अगर यहाँ का व्यू देखा जाए तो बहुत ही ड्रीमी व्यू है। ये वीडियोस में, पिक्चर्स में कैप्चर नहीं हो सकता, बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है इस एनवायरनमेंट को देखना। बहुत पोलाइटनेस है यहाँ के लोकल लोगों में, बहुत प्यार से बात करते हैं, स्माइल करते हैं, ग्रीट करेंगे आपको आप जब उनके पास से निकलोगे। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है और ये घंटा घर है यहाँ का। और हम यहाँ ढूंढ रहे हैं एक रेस्टोरेंट जहाँ पे हमें थोड़ा अपने पसंद का टेस्ट मिल जाए, क्योंकि ये सारे ऑथेंटिक रेस्टोरेंट्स है, कोई चाइनीज़ है, कोई एशियन है, सुशी बाज, तो ये समझ आया इनको ईशा जी को। एक रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, नाम है ट्राटोरिया टॉस्काना, और इसमें अंदर भी सिटिंग है बाहर भी है, बट अंदर तो खाली है तो हम बाहर ही बैठ गए। बहुत अच्छा माहौल है, ये तो ड्रिंक्स में नहीं हो गया ना, इसका तो कोई काम नहीं है। आइए फूड मेन्यू देखते हैं। यार सारा जो उन्होंने लिखा है, देखिए ये मेरे को सिर्फ रेट समझ आ रहा है, ये 13 यूरो की है, 15 यूरो। ओह पिज्ज़ा, पिज्ज़ा नेपोलिटाना। तो नॉन वेज खाएगी वेज खाएगी? वेज ही लेते हैं। ठीक है, और एक पिज्ज़ा लेते हैं, दोनों शेयर कर लेंगे, एक चीज चॉइस का लेते हैं। हाँ ठीक है, एक पिज्ज़ा मेरी चॉइस का हो गया, एक अपनी चॉइस की डिश मंगा ले तू। पिज्ज़ा बता दो कौन सा लेना है। यार कुछ भी मंगा ले, फार्म हाउस मंगा ले, डोमिनोज वाला मिलेगा? नहीं मिलता, फिर मत पूछ मेरे से। तूने भी क्या पेपर मंगाया है? पेपर इस पेपर हो गया पेपर। और चिली फ्लेक्स वो नहीं मिलती यहां, और सीजनिंग वो भी नहीं मिलती, टबास्को आई डोंट नो मैन, केचप चपेर खा ले। पूछ तो सही यार, ऐसे कैसे खाया जाएगा पिज्जा? आ रहा है ना पेपर में। अच्छा स्लाइस भी नहीं, ऐसे हमें खुद इसको काट काट के खाना पड़ेगा? यार ये तो गलत बात है। सेम टू यू, सेम टू यू। मूशो मूशो।
क्या बोला? डंका डंका मतलब ये स्ट्रीट पूरी रेस्टोरेंट की स्ट्रीट आ गया था और पिज्जा खा लिया हमने और अब हम खाने जा रहे हैं आइसक्रीम। ईशा दो दिन से बोल रहा है आइसक्रीम खानी है आइसक्रीम खानी है। कल गए थे रात को सुपरमार्केट बट वो क्लोज हो गई थी तो फाइनली हमें एक आइसक्रीम पार्लर मिल गया। आना अब यहाँ से हम आइसक्रीम लेंगे। कितनी वेल प्रेजेंटेड आइसक्रीम। हेलो हेलो, मैंने लिए स्नीकर्स और ईशा ने कौन सी लिया? वाओ चॉकलेट मुझे पसंद नहीं है इतना बहुत खा चुका चॉकलेट्स। अब कहाँ जाना है हमने? और रिवर साइड का रास्ता कहाँ से है? आई थिंक सामने रिवर है ईशा, सामने रिवर है, यहीं से चले। अब हम जा रहे हैं रिवर साइड, वहां थोड़ी देर बैठेंगे फिर निकल जाएंगे अपने टाउन पुल्डा की तरफ। बहुत लंबा सफर है 3-3.5 घंटे का और शाम के बज गए हैं 7:15 तो 12 बजने वाले हैं हमें रात को पहुंचते पहुंचते वहां। यही है वो ब्रिज जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया था, द ओल्ड ब्रिज। और यहाँ दूर दूर से कपल्स आते हैं किस करने ताकि उनका प्यार अटूट हो जाए और कभी एक दूसरे से ना बिछड़े। बहुत से लोग यहाँ पे कायाकिंग भी करते हैं, जिनकी कंट्रीज में होती हैं जिन्हें प्रैक्टिस होती है वही कर सकते हैं। अब हमें प्रैक्टिस है नहीं बिल्कुल भी और नॉर्मल अगर हमारे जैसा इंसान करे तो 50 मीटर में हाथ पैर दर्द हो जाए, एक एक दो दो किलोमीटर तक करते रहते हैं नॉन स्टॉप। रात के बज गए हैं 12 और वापस आ गए हम फुल्डा, ये रेलवे स्टेशन है सामने और अब बस जाने की तैयारी है अपने हॉस्टल और जाके सो जाएंगे। बहुत लंबा दिन रहा और कल एक नई डेस्टिनेशन पे आपको ले जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन है, नई कंट्री नई सिटी और नया माहौल नए लोग नया एनवायरनमेंट। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद करण नोत्रा ब्लॉग्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यूरोप। एंड इन अंकल जी का भी सोने का टाइम हो गया, बेचारे सुबह से बैठे हुए हैं, इनको भी सोना है। तो चलते हैं फिर। ओके बाय बाय।